हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अवनीश सिंह और आप देख रहे हैं गैजेट गुरुकुल। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आईपी कैमरे की इंस्टॉलेशन कैसे होती है। मेरे पास कुछ पुरानी वीडियो में कमेंट्स आ रहे थे कि आप किसी साइट पर जाकर के इंस्टॉल करके ही आप दिखाइए कि कैसे आईपी कैमरे इंस्टॉल किए जाते हैं, उसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या क्या उसमें परेशानियाँ आती हैं और क्या किन किन बातों का हमें इंस्टॉलेशन के वक्त ध्यान रखना चाहिए। आज मैं पूरी साइट पर वायरिंग करते वक्त, कैमरे को लगाते वक्त, हार्ड डिस्क इंस्टॉल करते वक्त, आईपी कैमरे की आईपी बनाते वक्त की सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। हम साइट पर ही हैं, ये एक प्लेटिंग जोन है तो यहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से जो हम यहाँ पर सिस्टम लगाएंगे वो ओपन में ही रहेगा, तो वो और इजी तरीके से मैं आपको बता पाऊँगा। जैसे आप पीछे देख पा रहे होंगे हमारे यहाँ एक राउटर लगा हुआ है और ये हमारा सारा सिस्टम है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम ऑनलाइन भी करेंगे और सारी सारी चीज़ें लगा के आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हम साइट पे आईपी कैमरे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे को क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है आईपी कैमरे इंस्टॉल करते वक्त। तो आप देख रहे हैं, सबसे पहले तो हमें एक एनवीआर चाहिए, ये 16 चैनल का एनवीआर है हिकविजन का। इस हिकविजन के एनवीआर में स्टोरेज के लिए हमें एक हार्ड डिस्क लगानी है, ये WD की पर्पल 2 TB हार्ड डिस्क है। उसके बाद हमारे पास कुछ कैमरे हैं, ये डोम और बुलेट, यहाँ पर 7 कैमरे ही लगने हैं। तो ये डोम ये बुलेट कैमरा है जो हमारे आउटडोर में लगेगा और ये डोम कैमरा है जो हमारे इंडोर्स में लगेगा। और ये हमारी डब्बियाँ हैं PVC बॉक्स की जो हमारे कैमरे के साथ इंस्टॉल होंगी, ये इंस्टॉल होगी और कैमरा इसके ऊपर ही इंस्टॉल होगा, जिससे आपके कनेक्टर वगैरह काफ़ी सेफ रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को कनेक्ट करके और इनको सप्लाई देने के लिए ये हमारे पास एक 8 चैनल का गीगा POE स्विच है। तो इन सारी चीज़ों को हम कनेक्ट करके, कैसे कनेक्टर बनता है, कैसे आईपी बनती है, कैसे उसको ऐड करते हैं एनवीआर में, सारा का सारा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों मीनवाइल हम चलते हैं, इसकी इंस्टॉलेशन कैसे कैसे हमारे लड़के कर रहे हैं वो दिखाता हूं। तब तक आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको ले कर चलता हूँ कि कैसे वायरिंग हो रही है और क्या क्या प्रोसेस हमारी टीम आगे कर रही है। दोस्तों ये साइट है हमारी जहाँ पे हमारे कैमरे लग रहे हैं। एक हमने बाहर के लिए देखिए ये वायर छोड़ रखी है, ये यहाँ पर ये जेन सेट का एरिया और ये सारा एरिया बाहर रोड का देखेगा और ये हमारी मेन एंट्री है कंपनी की। तो वहाँ से एक ये कैमरा हमने ये सामने दे रखा है जो हमारी यहाँ से इस एरिए से इस तरह से गाड़ी यहाँ पर जो भी लोड अनलोड होगी वो एरिया देखेगा, प्लस एक कैमरा हमने यहाँ दे रखा है, ये कैमरा हमारे इस पूरे व्यू को देखेगा अंदर के प्रेमाइसिस को यहाँ से इस तरीके से। और हमारा एक कैमरा इधर आपके हीटिंग जोन में है, ये पीछे जो है काफ़ी हीट रहता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वायरिंग इस तरीके से होकर आई और यहाँ लाइट के ऊपर ये कैमरा लगेगा और ये इस कॉर्नर से आपका ये पूरा हमारा ये जो केमिकल का हीटिंग एरिया है ये सारा का सारा एरिया कवर होगा। इस तरीके से हम ये सारे एरिया को कवर करेंगे। तो ये है कुछ एरिया, एक एरिया ये है हमारा जो सारा सारा कवर होगा, उस कॉर्नर पे हमने कैमरा दे रखा है। इस तरीके से हमने वायरिंग कंप्लीट कर रखी है और अब धीरे धीरे कैमरे टांग रहे हैं, तो आपका कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको बताता जाऊंगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इस डिब्बी के अंदर हम ये कैमरा किस तरीके से फिट करते हैं और उसके बाद कैसे वॉल पर माउंट करते हैं। सबसे पहले हम ये कैमरे को ओपन करते हैं। जब डोम कैमरा ओपन करने का तरीका देखिए, यहाँ पर इस तरीके से इसमें एक हल्का सा पेच लगा के इसको अनलॉक करना होगा। ये थोड़ा सा ध्यान से, ये देखिए अनलॉक हो गया, अब इसे आप घुमाइए, ठीक है, ये बाहर निकल गया। अब इस पे हम जो है कैमरे की इस वाले हिस्से को जो है पेच के थ्रू कनेक्ट कर लेंगे। अब ये पेच से इस पे जो है 3 स्क्रू लगा के इसको टाइट कर लेंगे। बहुत बढ़िया, इस तरीके से ये कैमरा जो है इस PVC बॉक्स के ऊपर इंस्टॉल हो जाएगा। और इसका फ़ायदा ये रहता है बॉक्स का कि सारे कनेक्टर वगैरह जो होते हैं इस डिब्बी के अंदर आ जाते हैं, जैसे ये सारी चीज़ें हैं, उससे क्या होगा कभी पानी, मॉइस्चर या कोई डस्ट वगैरह इसमें नहीं आती है, जिसकी वजह से वो सेफ़ रहता है। अब ये 2 पेच लग गए हैं, ये 3 पेच इसमें लगा दिए। अब ये जो कैमरे को कैसे इंस्टॉल करेगा, ये इसके अंदर डालेगा इसके वायर को, और यहाँ से ये सारा इस डिब्बी पे इस तरीके से माउंट हो जाता है। और ये
ये इस तरीके से, और ये वाली जो डिब्बी है अभी हमें पहले ये वॉल पे माउंट होगी, उसके बाद ये कैमरा इस पर माउंट हो जाएगा। इस तरीके से ये सारा प्रोसेस होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम एक डिब्बी किस तरह लगती है, ये डिब्बी ऐसे लेकर के इस पर वॉल में मार्किंग कर ली है इसकी, और मार्किंग करने के बाद अब ये ड्रिल मशीन से उस पर होल करके और क्लिप अटैच करके फिर उस पर पीवीसी बॉक्स माउंट करेंगे। ये देखिए अब इन्होंने जो मार्किंग करी है वहाँ पर ये ड्रिल कर रहे हैं, एक ड्रिल हो गया, ये दूसरा ड्रिल, अब ये ड्रिल करके अब इसी होल के अंदर ये अपना जो पीवीसी बॉक्स है इसको अटैच कर देंगे और कैमरा इस पर हैंग कर देंगे। अब ये जो होल किया है उस पर ही इन्होंने पीवीसी बॉक्स इस तरीके से अटैच कर दिया है और इसको ये स्क्रू से टाइट कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ये जैसे डब्बी लगा दी है और इस तरीके से देखिए कैमरा इसमें लगा करके और ये सारे कनेक्टर उसमें हम अंदर डाल के और इसके ऊपर कैमरा फिट हो जाएगा। इसमें बहुत नीट एंड क्लीन काम हो जाता है, आपका सारे के सारे कनेक्टर जो हैं, सारी वायर जो है एक्स्ट्रा, वो सारी इस बॉक्स के अंदर हो जाती है जो डस्ट फ्री रहती है, जिससे कैमरे की लाइफ आगे अच्छी रहती है। अब यहाँ पर ये बॉक्स इस तरीके से टाइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमारा पीओई स्विच आ रहा है, ये जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी सारी पीओई की वायर आ रही है। तो यहाँ पर कैसे कनेक्टर कैसे बनता है, वहाँ कैमरे ऊपर तो सामने बना दिया था, मैं आपको यहाँ पर दिखा के बताता हूँ कि RJ45 कनेक्टर कैसे बनता है। ये देखिए वायर इस तरीके से इन्होंने कट करी, ये इनका क्लिंपिंग टूल है, इस तरीके से देखिए वायर को पहले राउंड करके और यहाँ से ऊपर का इनका कवर हटा दिया है। ये सारी 7 कैमरे हैं तो ये 7 कैमरे के कवर हटा देंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि RJ45 कनेक्टर कैसे बनाते हैं। हमने एक 8/6 वायर ले लिए और इनके सारे पेयर पहले अलग कर लेते हैं और ये जो बीच में प्लास्टिक वाली वायर है इसको हम इस तरीके से कट करके अलग कर लेते हैं, ठीक है। आप इसे पंचिंग टूल्स कटिंग से भी कट कर सकते हैं। ये इस तरीके से इसको वायर को कट करके अलग कर दिया। अब जो है इसकी एक एक वायर को हम स्ट्रेट कर लेंगे। ये 4 पेयर हैं, इसमें 8 वायरें हैं जो एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, इनको हम पहले सुलझा लेते हैं और उसके बाद इन 8 वायरों को स्ट्रेट कर लेते हैं। फिर मैं आपको बताता हूँ कि इनका सीक्वेंस क्या है जो ये यशपाल बनाते हैं, ताकि आपको ये आइडिया रहे कि पंचिंग टूल से किस सीक्वेंस में वायर को पंच करना है। और ये हम पीओई की तरफ लगा रहे हैं, सेम ही सीक्वेंस में आपको कैमरे की तरफ भी वायर को पंच करना है, तभी आपका डेटा और पावर पीओई से कैमरे तक फ्लो करेगा, ठीक है। इस तरीके से अब आपने वायर को स्ट्रेट कर लिया और अब आपकी ये कलर कोडिंग हमें ये बताएंगे कि क्या कौन कौन सी कलर कोडिंग हमें लेनी है। तो सबसे पहले हमें लेनी है ऑरेंज वाइट, उसके बाद हमें लेनी है ऑरेंज वायर, उसके बाद हमने लिए ये ग्रीन वाइट वायर, उसके बाद हमने ये लिए ब्लू वायर, ठीक है, ब्लू वायर ले ली। ब्लू वायर के बाद हमने लिए ब्लू वाइट वायर और उसके बाद हमने लिए ग्रीन वायर, ये सबको स्ट्रेट कर लिया। अब इसके बाद हमने लिए ब्राउन वाइट वायर और लास्ट में हमारी ये ब्राउन वायर। अब इनको एक साथ इस तरीके से स्ट्रेट कर लेंगे और स्ट्रेट करने के बाद अब हम इसे पंचिंग टूल से अपना RJ45 इसके अंदर कनेक्ट करेंगे। अब देखिए इसको स्ट्रेट करके और बिल्कुल बराबर हिस्से में इसको हम इस तरीके से कट कर लेंगे अपने क्लिंपिंग टूल से। ये देखिए वायर देखिए कितनी शार्प तरीके से बिल्कुल सही तरीके से कट चुकी है। अब ये RJ45 कनेक्टर है, इसमें हम ये कनेक्टर में ऐसे ही इसे पंच करेंगे इसको इस तरीके से, इसका आपका ठीक है। और ये हमने ये वायर इसके अंदर डाली और ये सही तरीके से आप इसको प्रेस कर लीजिए ताकि वायर अच्छी तरीके से इसके अंदर जो क्लिंपिंग्स बनी हुई हैं वायर उसके अंदर घुस जाए। अब ये पंचिंग टूल से अपने क्लिंपिंग टूल से इसको हम वायर को पंच कर लेंगे इस तरीके से
और थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि वायर बहुत अच्छी तरीके से इसमें पंच हो जाए। अब देखिए ये वायर इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से पंच हो चुकी है। अब इसके अंदर हम कैमरा कनेक्ट करते ही कैमरा स्टार्ट हो जाएगा और पावर कैमरे को मिल जाएगी। अब इसी तरीके से बाकी पीओई के वायरें भी इस्पाल कनेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको पीओई से कनेक्ट करके कैमरे स्टार्ट करेंगे। अब हमने ये एनवीआर ले लिया, हमारे सारा काम हो चुका है। अब जो है हमारे कैमरे भी हैंग हो चुके हैं और यहाँ पर हमारे पीओई की तरफ भी वायर हमारी RJ45 कनेक्टर बन चुके हैं। ठीक है, आप ये देख सकते हैं हमारे सातों कैमरे में RJ45 कनेक्टर बन चुके हैं। अब जो है हम एनवीआर के अंदर हार्ड डिस्क डालते हैं और फिर एनवीआर का सेटअप करेंगे और फिर पीओई हैंग करके कैमरे को कॉन्फ़िगर करेंगे और कैमरे की आईपी क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये एनवीआर की अनबॉक्सिंग भी कर लेते हैं साथ में। 16 चैनल का एनवीआर है और आपको इसके साथ क्या क्या आता है वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता चलता हूँ। ये आपका एक एनवीआर आ गया, इसके साथ कुछ एसेसरीज हैं। ये एक RJ45 कनेक्ट की हुई एक लैन केबल बनी हुई आती है इसके साथ, और ये आपके साथ एक आता है माउस, एक अडेप्टर और एक साटा केबल जो आपके DVR के साथ इसको अटैच करेगी, और ये कुछ स्क्रू जो आपको हार्ड डिस्क के साथ हार्ड डिस्क को अटैच करने के लिए NVR के साथ आते हैं। अभी हम इसको हटा लेते हैं फटाफट और हम इस NVR को ओपन करते हैं और NVR ओपन करके इसके अंदर हार्ड डिस्क अटैच करते हैं। देखिए यह हमारा NVR है, इसके में क्या क्या है पीछे आप देख सकते हैं। एक HDMI का पोर्ट है, एक VGA का पोर्ट है, एक लैन केबल का पोर्ट है, पीछे 12 वोल्ट पावर इसके अंदर जो हम पावर देते हैं वो है। यहाँ पे हमारी HDMI कनेक्ट होगी, यहाँ पे हमारा VGA केबल कनेक्ट होगा और ये हमारे ऑडियो के पोर्ट है जिसकी अब रिक्वायरमेंट नहीं रहती, और हमारे POE स्विच से एक अपलिंक से एक वायर आएगी और हमारे लैन केबल इसके अंदर NVR के अंदर कनेक्ट हो जाएगी और हमारा NVR कैमरों के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो ये पहले इसके ओपन कर लेते हैं और उसके बाद इसमें हम हार्ड डिस्क इंस्टॉल करेंगे। अब NVR ओपन कर रहे हैं, ये देखिए NVR जब आप ओपन करेंगे इस तरह का एक छोटा सा एक मदरबोर्ड होता है इसके अंदर, और यहाँ पर हम हार्ड डिस्क अपनी इंस्टॉल करेंगे। यह हमने 2 TB की WD पर्पल हार्ड डिस्क ले रखी है और अब इसको इंस्टॉल करते हैं। ये हमारे हार्ड डिस्क पेचीज हैं कुछ जो हार्ड डिस्क को NVR से कनेक्ट करेंगे, और हमारी ये साटा केबल, ये पावर केबल और एक साटा केबल, ये हार्ड डिस्क को NVR के थ्रू कनेक्ट करेगी। ये देखिए इसे आपको कहाँ पे लगाना है, ये इस तरीके से इसके हार्ड डिस्क के हिस्से में एक लगा देना है और ये पावर की एक यहाँ पे लग जाएगी इसके साथ, ये अटैच हो गया। अब ये इस तरीके से आपको देखिए इस तरह से NVR पे फिट कर लेना है और इसको आप ऐसे पलट के, और यहाँ पर देखिए आपके NVR के जो पॉइंट्स हैं हार्ड डिस्क के पॉइंट से मिला देना है, और यहाँ पर आप एक स्क्रू लगा के इसको टाइट कर देंगे। ये देखिए स्क्रू लग गया और इस तरीके से आप इसे टाइट कर देंगे। आप इसमें सिर्फ क्रॉस में 2 पेचेस लगा दीजिए, दैट्स इनफ। ये हमने एक दूसरा स्क्रू भी लगा दिया और इसको यहाँ पे आप इसे टाइट कर देंगे। क्रॉस में 2 आप हार्ड डिस्क पे खाली स्क्रू लगा दीजिए, इसका बस इतना ही पर्पज रहता है कि ये हार्ड डिस्क आपकी हिले नहीं। ये देखिए अब ये बिल्कुल फिक्स हो चुकी है इसके अंदर, अब ये कहीं पे भी डैमेज होने के चांसेस नहीं रहेंगे। अब ये हम इनकी साटा केबल और पावर केबल को NVR के इस पॉइंट में अटैच करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये इसमें अटैच कर दिया और ये वाला पार्ट इसमें अटैच कर दिया। ठीक है, अब ये हमारी हार्ड डिस्क NVR के साथ कनेक्ट हो चुकी है। अब इसको हम बॉक्स को बंद कर देंगे और इसको ऑन करके इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं मैंने एक ये बाहर आउटडोर जो कैमरा लगाया जो हमारे जेनसेट को देखने के लिए और आउटसाइड के एरिया को देखने के लिए लगाया था, वो कैमरा आपका यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है डिब्बी पे। ऐसे ही एक कैमरा जो मैंने आपको दिखाया था यहाँ कॉर्नर पे, ये देखिए इस तरह डिब्बी पे लगा हुआ है, ये आपका इस एरिया को दिखाएगा जो हमारा यहाँ पर ये एरिया है, और एक कैमरा हमारे ये देखिए सामने लगा हुआ है, ये कैमरा हमारे गाड़ियाँ जो भी आएंगी अनलोड और लोड होंगी उन सारी गाड़ियों को देखेगा, और ये पीछे आपने मैंने दिखाया था हीटिंग जोन में एक वहाँ कैमरा लगा हुआ है, और कुछ कैमरे हमारे यहाँ अंदर प्रीमाइसिस में लगे हुए हैं। मतलब आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट दिखा दिया कि इस तरीके से कैमरा डिब्बी पे लगता है तो किस तरीके से नीट एंड क्लीन दिखता है। ठीक है, अब हम इस कैमरों को चालू करके और आपको दिखाते हैं कि किस तरह का व्यू और कितनी कवरेज आ रही है। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर सारा सेटअप हो चुका है,
मैंने आपको पीछे कैमरे तो दिखाई दिए थे, अब यहाँ पे देखिए NVR सेटअप हो चुका है, POI सेटअप हो चुका है और यहाँ पर एक राउटर भी लगा हुआ है। एक एक्सटेंशन से हमने इसे पावर दे दिया और सारी की सारी चीज़ें कनेक्ट कर दी हैं। आप ये सोच रहे होंगे ये मैंने रैक वगैरह में नहीं लगाया, मैंने आपको पहले भी बताया था क्योंकि यहाँ पे साइड पे हीट बहुत ज़्यादा है, तो ये कस्टमर की डिमांड थी कि सारी चीज़ें ओपन ही रहेगी और फैन चलता रहेगा ताकि ये गर्म ना हो, इसीलिए हमने इसे खुले में ही लगा रखा है। ठीक है, अब मैं आपको इसको सारी प्रोसेस बता देता हूँ। देखो ये जैसे POI से सारी की सारी वायरें गई हैं, यशपाल आप जरा पॉइंट आउट कर दो, ये POI से सारी वायर POI में कनेक्ट हो गई हैं, जो कैमरे की वायरें आई हैं ये देखिए इस तरीके से, और POI से एक वायर हमारी NVR में आई है, ये देखिए POI से एक अपलिंक में एक वायर लगी है, ये हमारी वायर सीधे आकर के NVR में कनेक्ट हुई है, और एक वायर हमने इसको राउटर से कनेक्ट कर दी है POI के एक अपलिंक से, ताकि हमारा जो है कैमरे को हम ऑनलाइन कर सकें। इसको मैं आपको नीचे से दिखा देता हूँ, ये देखिए POI में ये सारी की सारी कैमरे की वायर्स हैं, और यहाँ पर ये एक वायर हमारी NVR की है, और एक वायर जो है ये हमारी अपलिंक है, ये दोनों एक NVR में कनेक्ट हुई है और एक राउटर में कनेक्ट हुई है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये कंप्लीट प्रोसेस हो गया। अब मैं डिस्प्ले लगाकर इसकी IP कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ और आपको कैमरे चालू करके दिखाता हूँ। दोस्तों अब हम आ गए हैं यहाँ पर लैपटॉप की स्क्रीन पर, और एक सॉफ्टवेयर है SADP टूल, इसको हम ऑन कर लेते हैं। हिकविजन की IP कैमरे को एक्टिवेट करने के लिए इसी टूल का इस्तेमाल किया जाता है। आप देखिए सॉफ्टवेयर पे हमने ये 7 IP कैमरे हमारे शो कर रहे हैं, देखिए इनएक्टिव है सारे कैमरे। सबसे पहले हमें इन कैमरों को एक्टिवेट करना है, मैं यहाँ पर सबको एक साथ सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं एक पासवर्ड क्रिएट करूँगा, ठीक है, पासवर्ड हमें वही क्रिएट करना है जो हमने NVR का डाल रखा है। उससे होता क्या है कि आप इजी तरीके से IP कैमरे को ऐड कर पाएंगे। अब मैंने यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड में दोबारा सेम पासवर्ड डाल दिया, अब इसको मैंने एक्टिवेट कर दिया है। अब ये कैमरे सारे के सारे एक साथ ही एक्टिवेट हो जाएंगे। अब हम वेट करते हैं इसके एक्टिवेशन का, ये थोड़ा सा टाइम लेता है। ये देखिए यहाँ पर ये आ गया, अब इसको हमें कैंसिल कर देना है और यहाँ पर ये एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये देखिए इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, पीछे कैमरे एक्टिवेट हो चुके हैं, ये विंडो हटानी है, इसको हम कैंसिल कर देंगे, विंडो आगे से हट जाएगी। इसको भी आप हटा दीजिए क्रॉस करके, ये हट गया, ये देखिए आपके कैमरे एक्टिवेट है। अब मैं इसे SADP टूल से बाहर आ जाता हूँ और आगे की प्रोसेस अब मैं आगे आपको बताता हूँ। अब दोस्तों हमारे कैमरे एक्टिवेट हो चुके हैं, अब हमें करना है कि सारे कैमरों की एक IP असाइन करनी है। इनकी बाय डिफ़ॉल्ट IP आप देख रहे हैं 192.168.1.64 है, मैंने इन्हें रिफ्रेश कर लिया, वन बाय वन इसकी हम IP चेंज करते हैं। मैंने कैमरा नंबर 1 सेलेक्ट कर लिया है, अब यहाँ पे मैं इसकी IP सेलेक्ट कर देता हूँ और असाइन कर देता हूँ 51, और यहाँ नीचे कैमरे का पासवर्ड डाल देता हूँ। पासवर्ड डालते ही इसको मॉडिफाई, और आप ये देखिए पासवर्ड मॉडिफाई हो गया, IP मॉडिफाई हो गई। इसी तरह मैं दूसरे कैमरे पर आता हूँ, दूसरे कैमरे की IP चेंज करता हूँ 52, और यहाँ पर पासवर्ड डालता हूँ कैमरे का, और ये मॉडिफाई पे डालता हूँ, मॉडिफाई हो गया। ऐसे ही मैं एक एक करके सारे कैमरे के IP को मॉडिफाई कर लेता हूँ, और हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी हम कैमरे की IP डालेंगे वो 1 की सीरीज में डालेंगे, क्योंकि राउटर और NVR की जो सीरीज है वो 1 की ही सीरीज है। हमें ये ध्यान रखना है, अगर वहाँ पे अगर 0 की सीरीज है जैसे 192.168.0.21, तो हमें फिर अपने कैमरे की जो IP बनानी है वो 0 की सीरीज में डालें बनानी है। तो मैं अब वन बाय वन करके मैं अपने सारे कैमरे यहाँ पे मॉडिफाई कर लिए हैं मैंने, इससे इजी रहेगा मेरे, सीधे ही जैसे ही मैं NVR में सारे कैमरे कनेक्ट करूँगा ये सारे एक के साथ एक्टिवेट हो जाएंगे। दोस्तों अब ये हमारा NVR हमने ऑन कर लिया, हमारे कैमरे सारे कनेक्ट हो चुके हैं, कैमरे की IP बन चुकी है। अब NVR कन्फिगर कैसे करना है वो सारा प्रोसेस मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखिए इसको अप्लाई किया, लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद इसको हम यहाँ पे कैंसिल करते हैं। अब यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करने को कह रहा है, तो हम एक पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं NVR का। अब हमने यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर लिया है, अब यहाँ पे अनलॉक पैटर्न को कह रहा है, तो यहाँ पे हम अनलॉक पैटर्न एक कर लेते हैं, इसको हम एक L बना लेते हैं, जिसके थ्रू हम इसको बिना पासवर्ड डाले अनलॉक पैटर्न से भी NVR को ओपन कर पाएंगे। अब यहाँ पर हम इसे एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। एक्टिवेट करने के बाद ये यहाँ पर पूछ रहा है टाइम, तो ये हम इसे सिंक कर देते हैं, क्योंकि हमारे एक LAN केबल राउटर से कनेक्ट है, तो अपने आप ये सिंक कर लेगा टाइम।
इसको हम 5:30 पहले कर लेते हैं, ये 5:30 दिल्ली का टाइम आ गया, ठीक है। अब इसको हम नेक्स्ट कर लेते हैं, यहाँ पे हमने DHCP ऑन कर लिया है, तो ये अपने आप ये NVR ने एक राउटर से एक IP उठा ली है, देख सकते हैं आप 192.168.1.3, ये अब अपने आप ही ऑनलाइन हो जाएगा। ये नेक्स्ट करते हैं। अब ये हार्ड डिस्क इनिशियलाइजेशन के लिए पूछ रहा है, तो सबसे पहले यहाँ सेलेक्ट करेंगे, यहाँ इनिशियलाइज सजेशन पे करेंगे और ओके कर देंगे। अब ये हार्ड डिस्क अपने आप फॉर्मेट हो जाएगी, देखिए 2 TB की हार्ड डिस्क है, और यहाँ पे देखिए परसेंटेज आ रही है, देखिए फॉर्मेट हो रही है, ये हार्ड डिस्क अब फॉर्मेट हो जाएगी। कभी भी NVR पे जब आप हार्ड डिस्क लगाते हैं तो ये ध्यान रखिए कि सबसे पहले उसे एक बार फॉर्मेट कर लें, ताकि वो सही तरीके से NVR में परफॉर्म कर पाए। अब ये हमारी हो गया, हार्ड डिस्क फॉर्मेट हो गई, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे अब सारे कैमरे हमारे यहाँ शो कर गया, नेक्स्ट करते हैं। अब इसको पहले ही कनेक्ट को यहाँ पे हम ऑन करते हैं, यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन पे टिक करेंगे, यहाँ इसे ओके करेंगे, ठीक है, यहाँ इसे यस करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे स्टेटस जो कनेक्टिंग है ऑनलाइन हो जाएगा, अभी ये ऑनलाइन हो गया। यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड पे यहाँ पे एडिट पे आइए, और इसको हम यहाँ पे एक ऐसा वेरिफिकेशन कोड डाल देते हैं जो हमें ईजीली से ईजी तरीके से याद रहे, AABBCCDD, यहाँ करते हैं एंटर, और इसको कन्फर्म, कन्फर्म करने के बाद ये यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पे इसे नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट करने के बाद द न्यू वेरीफाई इज़ वैलिड फॉर वीडियो आफ्टर वर्ड, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, इसे हम क्लोज करते हैं। यहाँ पर एक रिजर्व ईमेल आईडी पूछ रहा है, ये जहाँ पर अगर इन केस आप NVR का पासवर्ड भूल जाएँ तो आपके पास वो पासवर्ड आपकी इस ईमेल आईडी से रिकवर हो सके। तो मैं यहाँ पर एक ईमेल आईडी डाल देता हूँ, यहाँ पर मैंने एक ईमेल आईडी डाल दिया। अब इसको हम फिनिश करते हैं, ये फिनिश हो गया, सारी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पे आते हैं मेन मेन्यू में, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में, और यहाँ पर हम आते हैं। पहले तो इसका देखिए स्क्रीन क्योंकि आउट ऑफ रेंज आ रही है, तो मैं इसको पहले सही कर लेता हूँ ताकि ये आउट ऑफ रेंज से। यहाँ पे मैं इसको 1280x1024 पर सेलेक्ट करूँगा, अप्लाई करूँगा। अब ये स्क्रीन जो है हमारी सही हो जाएगी, अभी आप देख रहे थे जैसे देखिए आउट ऑफ रेंज थी ना, अब ये आप सारी की सारी स्क्रीन पे हम सब कुछ देख सकते हैं। अब हम दोबारा मेन्यू पे आते हैं, कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं, अब ये देखिए किनारे सब आ रहा है। कैमरे पे आते हैं, अब ये देखिए नीचे सारे कैमरे हमारे आ गए हैं। अब हमें यहाँ पर सारे कैमरे को एक साथ सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से टिक करेंगे, ठीक है। अब ये प्रोसेस हो रहा है, अब यहाँ पर हम इसको टिक करेंगे और ऐड ऑल कर देंगे। अब ये हमारे सारे कैमरे यहाँ पर लाइव हो जाएंगे, ये देखिए सारे ग्रीन हो गए। आप यहाँ लाइव स्क्रीन पे आइए और आप ये देख सकते हैं हमारे सारे कैमरे लाइव हो गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कैमरे हमारे लाइव हैं। ये हमारा बाहर का कैमरा जो लोडिंग अनलोडिंग एरिया देखेगा, ये हमारा बाहर वो कैमरा जो जेनसेट और वो एरिया देख रहा है बाहर का, और ये हमारा अंदर का एरिया। इस तरीके से ये सारे कैमरे हमारे यहाँ पर लाइव हो चुके हैं। तो ये था दोस्तों कम्प्लीट प्रोसेस, हम IP कैमरे कैसे इंस्टॉल करते हैं, POE से NVR कैसे कनेक्ट करते हैं, RJ45 कनेक्टर कैसे बनाते हैं, अपने इस PC पे कैसे देखते हैं, ऑनलाइन कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे नेटवर्क पे जाके, यहाँ पे जनरल पे जाके आप देख सकते हैं, यहाँ पे सब हो चुका है, प्लेटफॉर्म एक्सेस में स्टेटस ऑनलाइन देख सकते हैं। अब मुझे सिर्फ इसका जो सीरियल नंबर है, आप यहाँ से देखिए मेंटेनेंस में जब आएंगे तो यहाँ पर ये देखिए सीरियल नंबर आता है। इस सीरियल नंबर को जैसे ही आप वहाँ पर अपने मोबाइल की ही कनेक्ट ऐप में ऐड करेंगे, आपका मोबाइल लाइव व्यू हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी हिकविजन के IP कैमरे कैसे इंस्टॉल करते हैं, क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या सामान लगता है, और RJ45 कनेक्टर कैसे बनाते हैं, NVR कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको सारी बातें समझा पाया हूँ। मैंने आपको ये लाइव साइट पे दिखाया कि कैमरे कैसे इंस्टॉल करते हैं, और बाद में आपको मैंने उसके वीडियो भी दिखा दी कि किस तरीके से इसकी वीडियो आती है और क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे हमें डिब्बी लगानी है, कैसे कैमरे लगाने हैं। फिर भी अगर आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करें, मैं उस पर रिप्लाई ज़रूर करूँगा। CCTV कैमरे से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करें, उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा या उसकी क्वेरी को रिप्लाई ज़रूर करूँगा। इसलिए कि टेक्निकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाते रहता हूँ, तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।